यहाँ पर देखा है, हमने हमारे कैमरा मैन ने भी जायजा लिया है, पूरा फोकस काम चालू। इसके बारे में आप क्या जनता को और VMC के अधिकारियों को मैसेज? मैं हूँ अभिषेक, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। यहाँ से एक एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी को यहाँ के लोगों ने कॉल किया है, और कॉल करके जब हमें यहाँ पे बुलाया गया, अभी आज हम लोग ने यहाँ पे इंस्पेक्शन की है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे काम हो रहा है रोड का, हमारे कैमरा मैन ने भी जायजा लिया है, पूरा फोकस काम चालू। इसके बारे में आप क्या जनता को और VMC के अधिकारियों को मैसेज? मैं हूँ अभिषेक, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। यहाँ से एक एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी को यहाँ के लोगों ने कॉल किया है, और कॉल करके जब हमें यहाँ पे बुलाया गया, अभी आज हम लोग ने यहाँ पे इंस्पेक्शन की है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे काम हो रहा है रोड का, ये रोड के काम में जो है तो ये एक गवर्नमेंट की जो है तो फसवणूक की जा रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट को फंसाया जा रहा है, और जो फंसाया इस तरह से जा रहा है कि यहाँ पे जो रोड पर मुरुम डालना चाहिए इन लोग ने, मुरुम की जगह ये लोग जो है तो मिट्टी डाल रहे हैं, और इस तरह से जो है तो, और ये काम जो हो रहा है ये नाइट में हो रहा है, यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे कोई आकर सर्वे नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और ये काम का कॉन्ट्रैक्ट जिसने भी लिया है तो उनको चाहिए कि जो कुछ जो स्केड्यूल है आपका, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है आपका, जो एग्रीमेंट किया गया उस हिसाब से आपने काम करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन जो काम हो रहा है वो यहाँ पे हम लोगों को लगा, इसकी वजह से क्या होता है कि रोड पे अगर आप मुरुम की जगह अगर मिट्टी डालोगे तो रोड जल्द से जल्द ख़राब होता है, और बार बार ये गवर्नमेंट का भी लॉस है इसमें। तो आपको चाहिए कि यहाँ पे जिस ये जो रोड है इसको मुरुम की जगह मुरुम ही यूज़ करना चाहिए, मिट्टी नहीं करना चाहिए। अभी देखा गया जिसका वीडियो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो फुलमरी रोड है, फुलमरी रोड पर भी पूरे रोड पे क्रैक आ चुका है रोड पे, वो वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो रोड पर क्रैक आया किस लिए आया है, क्योंकि रोड पे जो मटेरियल है इसका मटेरियल गलत यूज़ करने की वजह से, और मटेरियल में कुछ ऐसा इलीगल एक्टिविटीज़ करने की वजह से हो रहा है। तो जो लीगल है लीगल ही करना चाहिए, और मुरुम की जगह मुरुम ही यूज़ करना चाहिए, मिट्टी का यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से रोड ख़राब होता है और ये गवर्नमेंट का लॉस है। और आपको चाहिए कि यहाँ पे इंस्पेक्शन करना चाहिए, ये जल्द से जल्द इंस्पेक्शन किया जाए, और इसका क्या है हमको बताया जाए। यहाँ पर जो है ये हरसुल थी पेंट से लेके फुलमरी तक जो कॉन्ट्रेक्टर को पेंटी के मार्फत काम मिला है, ये कॉन्ट्रेक्टर जो है पूरा बोगस काम कर रहा है, शेड्यूल के बी के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। यहाँ के तमाम रहवासियों ने हमारे पास कंप्लेन किया, इसलिए मैं भी यहाँ पे 2-3 दिन से लगातार कॉन्ट्रेक्टर को हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर नीचे मुरम डाली आप डालिए, अच्छा काम कीजिए। और इसके बारे में हमने पेंटी के जो GA है, डिप्टी इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इनको तोंडी कंप्लेन किया फ़ोन पे, इनको बोला कि भाई आप यहाँ पे आदमी रखो आपका जो भी इसका देख रेख के लिए, और ये मिट्टी डाल रहा है, तो इन्होंने बोला है कि हम आके चौकसी करेंगे। 3 दिन से इनको लगातार बोला जा रहा है, इन्होंने कोई आके अभी तक देखा नहीं है, कॉन्ट्रेक्टर अपनी मनमानी कर रहा है। तो हमने सभी रहवासियों ने आज इसका काम बंद किया, रात में काम करते आके सोते हैं और मिट्टी डालते हैं और दबा देते हैं, और इसके ऊपर लगे कॉन्ट्रेक्टर अपने कॉन्क्रीटिंग काम करते हैं। तो ऐसा काम, गलत काम करने के बाद रोड फट रही है। अभी हमारे वसीम भाई शेख ने बोला है कि भाई फुलमरी के पास से जब इन्होंने पानी किया खुद जाके रोड फट रही है। इसका कारण ये है कि नीचे मिट्टी डाली जा रही है इसलिए रोड फट रही है। बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है, हैवी रोड है ये, गली का रोड नहीं है, यहाँ पे 10 टन की, 12 टन की, 16 टन की गाड़ी चलती है, इसकी वजह से रोड फटेगी। तो पूरी बस्ती वालों ने ये काम बंद किया, जब तक बैंडी के अधिकारी यहाँ पे आएंगे नहीं, चौकसी करेंगे नहीं। जैसे वसीम मैंने बोला कि इसमें शासन की फसलों है, लोगों की बस, शासन का पैसा लोगों का पैसा होता है और कॉन्ट्रेक्टर को पैसा दिया जा रहा है ये काम का। तो हमारी ऐसी मांगनी है सब बस्ती वालों, अर्थुल वार्ड नंबर 1 की, कि भाई काम अच्छा होना चाहिए, और जो कॉन्ट्रेक्टर ने मिट्टी डाला है ये मिट्टी पूरी निकालना चाहिए, जब तक ऐसा नहीं होगा हम काम करने नहीं देंगे। नहीं, पर यहाँ पर भी देखने में आया है कि 2-4-8 दिन से एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पर लोग गिर रहे हैं। इसका कारण ये है कि कॉन्ट्रेक्टर को जो नौशाद जो कॉन्ट्रेक्टर है यहाँ पे, जिसका जो इंचार्ज है अभी कॉन्ट्रेक्टर बोल के, जिसको बार बार बोला जाए सेफ्टी रखो आप जब काम करते हैं हाईवे रोड का, तो सेफ्टी होना चाहिए, यहाँ सेफ्टी कोई लगा रहे नहीं है, इसके वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये कॉन्ट्रेक्टर की गलती है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आप क्या मांग करेंगे BNC से, क्या क्या डिमांड करेंगे? अभी हम लेखी निवेदन दे रहे हैं, हमने BNC को 1 महीने से इनको लेटर दिया है कि इसकी शेड्यूल कापी हमको दी जाए, हमारे नितिन पटेल ने दिया है, अभी मुझे इन्होंने बोला है शेड्यूल कापी नहीं दी जा रही है इनको, हम शेड्यूल कापी लेंगे और इसके तरफ से हम काम
फोटो कापी के जहाँ तक इंस्ट्रूमेंट रहेगा जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी तरफ से हम ऐसा काम करके लेंगे। अगर इन्होंने ऐसा काम नहीं किया काम बिल्कुल चालू नहीं करने देंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नहीं सर, जैसे कि ये जो बोगस काम कर रहे हैं ये ठेकेदार गवर्नमेंट के साथ ठगी कर रहे हैं, ये तो ऐसे बोगस काम कर रहे ठेकेदारों को आप गुना दाखिल की मांग नहीं करेंगे? अभी अगर ये आके आज इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, अभी हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताने के बाद में ये हमने एक इंटीमेशन दे दिया है वीडियो के माध्यम से, अगर नहीं किया जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे उनको एक रिपोर्ट कर दी जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक एक रिपोर्ट इनके खिलाफ कर दी जाएगी। Right now and press the bell icon.